खबर को लगातार किशन निषाद साहब जो है मौके पर मौजूद हैं, क्या हो रहा है वहां पर पोलिंग पर, उसको जानने की समझने की कोशिश करेंगे, लाइव लेने की कोशिश करेंगे, पहले उनका कनेक्शन दुरुस्त कराएंगे। लेकिन उससे पहले सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर बखेड़ा खड़ा कर दिया है संजय सिंह साहब ने। तो संजय सिंह साहब ने क्या बखेड़ा खड़ा किया आपको बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर, राजधानी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चुनाव के चौथे चरण के बीच आप सांसद संजय सिंह ने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिख दिया है। पत्र उन्होंने लिखते हुए बताया कि बीजेपी विधायक राघवेंद्र सिंह की ईसी से शिकायत की गई है, और ईसी से शिकायत के बाद यह भी कहा है कि राघवेंद्र से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग है। इस पर सीधे रिपोर्टर को जोड़ेंगे लखनऊ से अपने, गलत बयानबाजी के मामले को लेकर पत्र लिखा है, सीधे रिपोर्टर को जोड़ेंगे लखनऊ से। तो गलत बयानबाजी को लेकर जो पत्र लिखा गया है लखनऊ से, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संजय सिंह ने पत्र लिख दिया है। राघवेंद्र सिंह ने जो टीका टिप्पणी करी थी हिंदू मुसलमान करने की, पोलराइजेशन करने की जो कोशिश की थी, कहा था कि हिंदू जो वोट नहीं देगा उसकी नसों में दरअसल मुसलमान का खून है, इसको लेकर अब सीधे शिकायत हो गई निर्वाचन आयोग से। क्या कुछ कहेगा निर्वाचन आयोग ये बात आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे संवाददाता शुभम है, वो बताएंगे कि क्या भैया क्या बखेड़ा खड़ा किया है ये, इलेक्शन कमीशन को पत्र तो लिख दिया है शुभम साहब, लेकिन लेट कर दिया है, ये तो पहले की है बात, अब आज की डेट में जो शिकायत की है, क्या लगता है क्या कुछ हो सकता है? जी हाँ बिल्कुल, आपको बताया जिस तरीके से राघवेंद्र जी का जो बयान जारी हुआ था, बयान के बाद जो है कहीं ना कहीं जातिवत तरीके से जो है बयान जारी हुआ था, जिसके बाद सभी ने इससे जो है विरोध जारी किया। लेकिन अभी तक जो अगर हम इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो उनकी तरफ से किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की गई थी, तो उसी को लेकर के जो है आम आदमी पार्टी के जो संजय सिंह है उन्होंने आज जो है इलेक्शन जो कमीशन है उसको जो है पत्र लिखा है, और चिट्ठी में जो है साफ जो है उनके जो है गलत बयानबाजी को लेकर के कहा गया है कि उनका जो है जो उनका पत्र है उसको जो है पूरी तरीके से एक काम करिए शुभम साहब, पूरी आप बात बताइएगा ए टू जेड, पूरा आपका टाइम, पूरी आपकी स्क्रीन, शुभम साहब को फुल स्क्रीन पर करिएगा, फुल स्क्रीन पर शुभम साहब पूरी बात बताइएगा कि क्या बात है, अब जब निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा गया है क्या इस पर आपको क्या लग रहा है, क्या जवाब आ सकता है? मैं तब तक अपने डायरेक्टर साहब से कहूंगा कि फुल स्क्रीन करिएगा शुभम साहब को, शुभम साहब फुल स्क्रीन पर रहेंगे, और शुभम साहब आपकी स्क्रीन है, आप पूरी जानकारी हमारे दर्शकों को सीधे दीजिएगा, आंख में आंख मिलाकर सीधे। जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से जो है आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने जो है एक आज इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी में साफ तरीके से कहा गया है कि जो भाजपा विधायक राघवेंद्र जी हैं उनकी तरफ से बयानबाजी की गई थी। हाल ही में आप सभी ने देखा होगा कि एक बयानबाजी जारी हुआ था जिसमें जो है हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई थी, जिसको लेकर के निर्वाचन आयोग की तरफ से किसी भी तरह की खास जो है कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही किसी तरह की कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन जहाँ लाख दावे करता है कि किसी को भी जो भी इस तरीके की बयानबाजी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या फिर नोटिस जारी की जाएगी, लेकिन इस तरह का कुछ भी देखने को नहीं मिला है, जिसके बाद साफ कहा जा सकता है कि जो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह है उन्होंने आज जो है गलत बयानबाजी को लेकर के एक इलेक्शन कमीशन है उसको पत्र जारी किया और एक शिकायत पत्र दिया है, जिसमें उनको जो है कहा गया है कि पूरी तरीके से जो राघवेंद्र जी हैं उनका जो पत्र है उसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया जा सके, उनको जो है कहीं ना कहीं चुनाव से रोका जा सके। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार जो इलेक्शन कमीशन है वो किस तरीके के मामलों पर संज्ञान लेता है, क्या क्या मामले निकल कर आते हैं। ठीक है। शुभम साहब आपका पूरा ऑडियो आ रहा है, पूरी आपकी आवाज आ रही है, जनता आपको सुन भी रही है, आप रुक गए थे। शुभम साहब मुझको बस इतना बताइए कि आप जब संजय सिंह ने इसको लेकर निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है, आप बड़े करीब से पत्रकारिता कर रहे हैं, बहुत समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप इस चीज को मुझे समझाइए कि आपको लगता है कि कोई फर्क पड़ने वाला है? केवल इतना ही फर्क पड़ेगा कि चौथे चरण का मतदान है तो यह मुद्दा एक बार फिर ब्रेक पे आ जाएगा, इसके अलावा कोई फर्क पड़ेगा बताइए आप शुभम साहब। जी हाँ बिल्कुल, कह सकते हैं कहीं ना कहीं संजय सिंह जो है उनकी तरफ से नए नए तरीके से पत्र लिखे जाते हैं, शिकायत पत्र किए जाते हैं, इससे पहले उन्होंने राम मंदिर को लेकर के भी एक जो घपले का मामला था उसको लेकर के वो खुलासा किए थे, इससे इस तरह के कई सारे पत्र लिखते रहते हैं। लेकिन अब जब चौथा चरण का जो मतदान चल रहा है 1 बजे की लगभग कह सकते हैं कि लगभग जो है
55% लोगों ने मतदान कर दिया है। और कहा जा सकता है जिस तरीके से अब मतदान हो रहा है उस समय अगर आप इस तरीके से इलेक्शन कमीशन को लिखते हैं तो अभी कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि फर्क पड़ना होता तो कहा जा सकता है कि 3 से 4 दिन पुराना मामला है और हर जगह जो है सुर्खियों में भी रहा और मामले को कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो है चौथे चरण में लखनऊ में तूल पकड़ाने की कोशिश जरूर की गई है। ठीक है शुभम साहब, आप न्यूज वर्ल्ड इंडिया को देखते हैं, न्यूज वर्ल्ड इंडिया को लखनऊ से आप रिपोर्टर्स को देख रहे हैं, मुझको ये बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि जब चौथे चरण में मतदान आ गया है तो मतदान किस ओर जा रहा है, ये मतदान का जो मतदान वाली जो बर्ड है ये दरअसल कहाँ उड़ रही है, क्योंकि लोग तो ये कह रहे हैं कि इस वक्त पश्चिम में बता रहे हैं कि कोको ले गई वोट, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि पूरा हमारे पास आ गया है। तो पहले के दो चरण इस पे बीजेपी ने कहा कि 100 से ज्यादा सीट हमारी है, समाजवादी पार्टी ने कहा कि 100 से ज्यादा सीट हमारी है, दो चरण और आज कंप्लीट हो जाएंगे 6 बजे तक, मैं बता रहा हूं आपको, फिर कहेंगे कि 100 हमारी है, बीजेपी कहेगी 100 हमारी है। तो ये जो दावेदारी है ये तो पहले के 4 चरण में ही मेजोरिटी है। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से कहा जा रहा है चौथे चरण का आज मतदान चल रहा है, मतदान में लगातार 7 बजे से लोग मतदान कर रहे हैं और लगभग फुल स्क्रीन करिए शुभम साहब को, शुभम साहब को फुल स्क्रीन करिए, ठीक है 37.5 कहा जा सकता है 37.45% मतदान हो चुका है। उसी के साथ कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मतदान बढ़ा है और जिस तरीके से मतदान चल रहा है तो दोनों ये नहीं कहना सही होगा, क्योंकि हमारे सभी सहयोगियों ने ग्राउंड पे जाकर के जानकारी ली है, सभी का साफ तौर से कहना था कि जिस तरीके से लोग बात कर रहे थे जो जमीनी मुद्दे हैं, कहा जा सकता है विकास के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, ये मुद्दे जरूर आज चौथे चरण में देखे गए हैं। लगातार जिस तरीके से सभी पार्टियां अपने अपने दावे कर रहे हैं कि किसी की 100 सीटें होंगी, किसी को 200 आएंगी, लेकिन इस तरीके से कहा जा सकता है जब लगातार जो सारा समीकरण है एक जातिवत तरीके से भी राजधानी का समीकरण चलता है, जैसे कि लखनऊ की बीकेट की विधानसभा की अगर हम बात कर लेते हैं तो बहुत ऐसी विधानसभा कही जाती है जिसमें साफ तरीके से देखा जाता है कि यहाँ पर सबसे खास भूमिका निभाते हैं यादव और साफ तरह से जो यहाँ का यादव वोटर से वो निभाता है और मुस्लिम वोटर जिस तरफ इनका समीकरण पहुंचता है उसी तरफ जो है जातिगत समीकरण जो घूमता है उसी के हिसाब से जो है कहा जा सकता है बाजी मारी जा सकती है। अगर हम गोमती यादव की बात करते हैं सपा से है, सपा की तरफ से इससे पहले वो बाकायदा बीजेपी में रहे, बीजेपी में बाकायदा विधायक भी रहे, उसके बाद वो सपा में आए थे, सपा में भी वो विधायक रहे, जिससे साफ पता चलता है कहीं ना कहीं बीजेपी को एक तरीके से तोड़ने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि एक बड़े चेहरे के रूप में है, क्योंकि उनकी बीजेपी में भी अच्छी खासी घुसपैठ है, घुसपैठ के जरिए कहा जा सकता है वो अच्छा खासा जो वोट बैंक है वो अपने खेमे में खींचने की कोशिश जरूर करेंगे। अगर हम उसी जगह पे उत्तरी लखनऊ के जो उत्तर विधानसभा है उसकी अगर बात करते हैं तो वहां पर नीरज बोरा को टक्कर दे रहे हैं पूजा शुक्ला की अगर हम बात करते हैं, पूजा शुक्ला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को झंडे दिखाए थे, उसके बाद वो जेल भी गई थी, उसके बाद वहां से जब वो आई थी उसके बाद अखिलेश यादव ने एक उनको सपा से अपना कैंडिडेट बनाया। साफ कहा जा सकता है जिस तरीके से वोट, क्योंकि अगर हम उत्तरी विधानसभा के वोट बैंक की बात करते हैं लगभग 4.5 लाख का वोट बैंक जाता है और लगभग 2 लाख के आसपास महिलाएं हैं, इसी हिसाब से हम देखते हैं कि हर जगह का समीकरण, क्योंकि पूरी तरीके से इससे पहले अभिषेक मिश्रा सपा से थे, उन्होंने नीरज बोरा को हराया था, उसके बाद बीजेपी में वो आए थे नीरज बोरा, फिर वो जीत कर आए थे। साफ कहा जा सकता है जिस तरीके से एक पूजा शुक्ला को उतारा गया है और चर्चित महिलाएं हैं और पूरी तरीके से एक पूरा अपना पूरा दम जो है लगाए हुए हैं, लगातार कह सकते हैं कि जब चर्चाओं में रहे हुए लोग सामने आए थे बातों पे। ठीक है शुभम साहब, बहुत शानदार तरीके से आप लगातार इस पर नजर बनाए रखिएगा और लगातार आप बने रहिएगा और सब पर नजर रखिए, 59 सीटों पर क्या कुछ हो रहा है सबको मॉनिटर करते रहिए।